बड़ी खबर का रुख करते हैं। चित्तौड़गढ़ एसीबी की गंगरार में कार्रवाई, समग्र शिक्षा अभियान के जेईएन को गिरफ्तार किया है। संविदा पर लगे हुए जेईएन सतेंद्र सनाढे को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, 7500 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी जेईएन को गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार से निर्माण कार्य के एमबी भरने के एवज में ये कमीशन मांगा था और 15% कमीशन की आरोपी जेईएन ने डिमांड की थी। सत्यापन के दौरान भी आरोपी ने ली थी 1500 रुपए की घूस और आज 7500 रुपए की घूस लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके, क्या पूरी जानकारी? मेगा, ये पूरा मामला है कि स्कूल में निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है। परवादी है ठेकेदार जिसने स्कूल में कम बनाया था और मरम्मत की थी। गंगरा क्षेत्र का मामला है। समग्र शिक्षा विभाग की योजना के अंतर्गत ये निर्माण हुआ था। समग्र शिक्षा विभाग के जेईएन है, इन्होंने रिश्वत मांगी थी और निश्चित तौर पर 15% रिश्वत की राशि तय हुई थी और उसके बाद सत्यापन करने के लिए कहा था, किए गए कार्य का सत्यापन किया जाएगा। एसीबी ने 1 तारीख को 1 अप्रैल को इसका सत्यापन करा लिया था। उस पीरियड में भी आरोपी ने 1500 रुपए की घूस ली थी और आज 7500 रुपए की घूस लेते हुए इसका किराए का मकान है गंगरार में, मूल चित्तौड़ का रहने वाला है आरोपी, और इसको गंगरार से एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।